नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक इस तरह के हम लोग 16 टेस्ट आपके देख चुके हैं। कितने? 16। और ये आपका 17वां टेस्ट है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा है, डिटेल के साथ, विस्तार के साथ, तो उसे जाकर पढ़ लें। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो बेहतर होगा और आपको फ़ायदा भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग, हमारी तरफ से भी आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का पूरे लेक्चर, 13-14 लेक्चर हैं, चैप्टर बाई चैप्टर बताए गए हैं। और कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है, उसी में आपकी सभी लेक्चर डले हुए हैं। इतना याद रखिए, अगर आप लोग उन सभी लेक्चरों को प्लस जो हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इन्हें आप लोग कवर कर लेते हैं, तो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से आपका कोई भी क्वेश्चन साथ आए, आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। फिर चाहे वो लिखित रूप में हो, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब जैसे आप CPU का शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म, इसके लिए हम लोगों ने एक क्लास पूरी, एक पूरा लेक्चर ही इसी पर बनाया है। शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है, जो भी आपकी कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म है, उनके विस्तार बताए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ जाकर देख लें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं 17वें टेस्ट का। पहला है हमारा मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर होता है हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा आपका? ए क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या होगा? बी। तीसरा है हमारा, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए की और की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Alt। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और शॉर्ट अल्ट की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा चार, और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर चार में क्या होगा आपका? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए, सेव एज। पांच में आपका ए होगा, सॉरी पांच में सी होगा। क्या होगा पांच में? सी ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा छठवा, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर छठवे में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा सात, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित है, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। सात में आपका सी। सात में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा आठ, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए चेक करता है,
डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस चेक करता है। आठ में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा नौ, क्या है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। नौ में क्या होगा आपका, सी। नौ में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, नेटवर्क। दस में क्या होगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी वाउंड होने पर डेटा स्टोर करना आरंभ करती है, 11 में आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्या है क्वेश्चन 12 का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, पर्ल का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। 13, नीचे दिए गए सभी पद स्पीड सीट सॉफ्टवेयर से संबंध हैं सिवाय के किसके, वायरस डिटेक्शन। 13 में आपका डी होगा, 13 में क्या होगा, डी सही है। क्वेश्चन है हमारा 14, ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, क्या है इनमें, मॉडम। 14 में क्या है, सी, मॉडम ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, 14 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 15, सी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को किसके द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 15 में आपका सी, 15 में क्या होगा, सी। क्वेश्चन है हमारा 16, हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है, कंट्रोल प्लस के। 16 में आपका ए होगा, 16 में क्या होगा, ए। क्वेश्चन है हमारा 17, कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ताओं को डेटा करते हैं, इनपुट। 17 में आपका बी होगा, 17 में क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा 18, कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के में पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है आरंभ में, 18 में आपका सी होगा, 18 में क्या होगा, सी। क्वेश्चन है हमारा 19, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है, 19 में आपका रोम क्या होगा, डी होगा, 19 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 20, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। 20 में क्या होगा आपका, बी। क्वेश्चन है हमारा 21, इसमें कंप्यूटर का
कौन अनिवार्य भाग नहीं है? मॉनिटर है, रैम है, माउस है, लेकिन स्कैनर नहीं है। 21 में क्या है? बी। क्वेश्चन है हमारा 22। हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। गीगाबाइट से, यानी कि जीबी से। किसमें? जीबी में। 22 में आपका सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 23। सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या होगा? सी। क्वेश्चन हमारा 24। रैम को कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, क्या कहते हैं रैम को? रैम को कहते हैं वोलेटाइल भी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यानी कि 24 में आपका ई होगा, ए बी दोनों। 24 में ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं। रैम है और रोम भी है, यानी बी और सी दोनों सही हैं। ई ऑप्शन आपका सही होगा। 25 में क्या होगा? ई ऑप्शन सही, बी और सी दोनों। क्वेश्चन हमारा 26 क्या है? सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है। नेटवर्क। 26 में क्या होगा? 26 में होगा आपका ए। क्वेश्चन है हमारा 27। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। 27। क्वेश्चन है 28 का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। मशीन लैंग्वेज। 28 में क्या होगा? बी होगा। 28 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है हमारा 29। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 29 में आपका बी होगा। 29 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है हमारा 30। फ्लॉपी डिस्क में डेटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रैक्स। 30 में क्या होगा? सी। 30 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है अब आपका 31। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है क्या है? सेल का रो और कॉलम लेबल। 31 में आपका डी होगा। 31 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 32। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी की भंडार क्षमता है 1.44 MB। कितनी? 1.44 MB। ए ऑप्शन 32 में आपका सही है। क्वेश्चन है हमारा 33। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? बार कोडिंग में आपके 33 अक्षर। 33 में क्या होगा? 10 अक्षर होते हैं। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 10, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन 34। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्सर।
34 में आपका ई होगा, 34 में क्या होगा ई। 35 डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सॉर्टिंग। 35 में आपका सी होगा, 35 में क्या होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। OSI मॉडल की लेयर्स होती है 7, कितने ए ऑप्शन सही है 7, 36 में आपका ए है। क्वेश्चन है हमारा 37, नंबर पेड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप की दबाते हैं, क्या दबाते हैं नम लॉक। 37 में आपका ए होगा, 37 में क्या होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 38, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है ALO, क्या करता है ALO। 38 में आपका ए है, 38 में क्या है ए। क्वेश्चन है आपका 39, सॉफ्टवेयर के में कमांडों और ऑप्शंसों की सूचियां होती हैं मेन्यू बार में, किसमें मेन्यू बार में। 39 में आपका बी होगा, 39 में क्या होगा बी। क्वेश्चन है आपका 40, क्या 40 से भी सारी वेबसाइटें और पेज दिख जाते हैं जो आपने एक समयावधि में देखे होते हैं हिस्ट्री लिस्ट। 40 में आपका सी होगा, 40 में क्या होगा सी। क्वेश्चन है हमारा 41, मैं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों को की बाहरी रूपरेखा होती है आउटलाइन भाग, 41 में क्या होगा सी। 41 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 42, यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप का प्रयोग करेंगे स्विच का, किसका स्विच का। 42 में आपका डी होगा, 42 में क्या होगा डी। फिर आपका क्वेश्चन 43, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है टोटल। 43 में क्या है ए, 43 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44, एक प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं इंटरानेट, क्या होता है ये इंटरानेट होता है। 44 में आपका डी, 44 में क्या है डी। 45, यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक बेबी अंडरलाइन दिखती है लाल, क्या दिखती है लाल लाइन दिखती है। 45 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 46, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रिड लाइंस। 46 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 47, स्लाइड से आउट लेआउट चुनने के लिए का प्रयोग करते हैं लेआउट गैलरी का। 47 में आपका सी होगा, 47 में क्या होगा सी। 48, एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं पेज ब्रेक। 48 में आपका बी होगा, 48 में क्या होगा बी। 49, एक टेक्स्ट जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं फोटर। 49 में क्या होगा डी। क्वेश्चन है हमारा लास्ट 50, क्या है क्वेश्चन,
यदि बिट एक्स डॉट 25 स्टैंडर्ड में एक सेट किया जाता है तो इसका अर्थ हुआ एक से अधिक पैकेट। एम 50 में क्या होगा सी। तो चलिए ये था आपका 17वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 18वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे आपके।